हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक अनदर सीरीज में आपका स्वागत है। और मैं आज क्विटस में डे 4 का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर बाय द वे डे 4 का पार्ट 3 कंप्लीट नहीं होता है तो मैं डे 4 का पार्ट 4 लाने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारा टारगेट्स हैं, जो हमारा गोल्स हैं, जो हमारा प्रॉफिट टारगेट्स हैं, अगर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर उसको अलग पार्ट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं। पूरा लास्ट वीडियो को देखिए कि कैसे कैसे मैं टारगेट को कंप्लीट करता हूँ और जो हमारा 21 डेज का जो माइलस्टोन है उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। हमें खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मैं 21 डेज का जो माइलस्टोन है उसको तो पूरा करके रहेंगे, क्योंकि हम जिद्दी हैं भाई। ओके, और जिद्दी इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमारा सालों का मेहनत है और सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा है, और सिर्फ हमें प्रैक्टिस कर रहा है प्राइज एक्शंस पे। ओके, तो लास्ट तक बने रहें, आप पूरा फुल देखें वीडियोज को। ओके, फिर से एक नई सीरीज में आपके स्वागत है। और आज डे 4 का पार्ट 3 सीरीज को कंटिन्यूअस करने वाले हैं। ओके, क्योंकि मैं डे 4 का पार्ट 2 में जो हमारा प्रॉफिट टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए पार्ट 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा आज एक दिन का ट्रेड रहेगा, टोटल ट्रेड जिसे बोलते हैं, टोटल ट्रेड एक दिन का हमारा 5 रहेगा। 5 ट्रेड से ज़्यादा लेने वाले नहीं हों, और हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा 400 रुपीज़, और प्रॉफिट टारगेट रहेगा 150। ओके, 150 अगर हमारा हो गया प्रॉफिट टारगेट तो मैं कंप्लीट करके सेशन को एंड करा देंगे। ओके, तो देखते हैं। और आज है 4 जुलाई 2023। ओके, और 21 डेज़ का माइलस्टोन को पूरा करना है, तो जो $15 से लेके $100 तक कंप्लीट करने हैं। और देखते हैं ये सीरीज कितना दिन में कंप्लीट होती है। ओके, 21 डेज़ का माइलस्टोन, जिसे हम मार्टिंगल तो फॉलो नहीं करना है। अब मार्टिंगल को फॉलो नहीं करने के लिए मैं ये 21 डेज़ का जो माइलस्टोन को पूरा कर रहे हैं। ओके, और चलिए ट्रेड लेना शुरू करते हैं। तो हमारा है आज का करेंसी पीआरई यूरो AUD OTC 87%, देर ही रिटर्निंग। और आप मार्केट देख सकते हैं, अभी टाइम हो चुका है 12:35, 12:30 ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर आप रियल टाइम में ट्रेडिंग करते हैं तो उस समय आपको बढ़िया तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, चार्ट को देखना पड़ता है, चार्ट पर टिके रहना पड़ता है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो भाई गए काम से। जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, ट्रेड को सोच समझ के लेनी है, क्योंकि आपका रियल अमाउंट लग रहा है। डेमो अकाउंट नहीं है कि जैसे पाए वैसे ट्रेड ले लिए। ओके, चाहे विन हो चाहे लॉस हो, आपको डेमो में तो फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आपके रियल में ट्रेड लगते हैं ना भाई, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके वहाँ पर इमोशन जुड़े रहते हैं और आपका वहाँ पर हार्ड मनी रहती है। इसीलिए आप सोच समझ के ट्रेड लेते हैं, सोच समझ के आप कदम उठाते हैं। ओके, तो मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि हमारा ट्रेड अमाउंट रहेगा, पर ट्रेड रहेगी 80 रुपीज़ की, और टोटल ट्रेड रहेगा 5, टोटल ट्रेड रहेगा 5। ओके, न ज़्यादा न कम। जो हमारा प्लान है उसको फॉलो करेंगे, प्लान के बिना तो मैं रुक ही नहीं सकता। और यहाँ पर एक मार्केट क्या इंडिकेट कर रही है, क्योंकि मार्केट जो है ना एक सपोर्ट बनाई थी, और सपोर्ट को बनाए के बीच में ली रिट्रेसमेंट, अब बीच में रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से एक हेमाटोलॉजी बनाई है, फिर वहाँ से मार्केट कंटिन्यू किया, फिर ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस लेवल बना के कि मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, कंटिन्यूस कर रही है। और देखते हैं मार्केट कहाँ तक एंड करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे एक ट्रेड प्लेस कर देनी चाहिए, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और टाइम फ्रेम है 1 मिनट और एक्सपायरी टाइम भी 1 मिनट है। ओके, आपको सारी चीज़ों को फोकस करना है। अगर आपने जल्दीबाजी किए हैं तो ट्रेड भी गई, आपके अमाउंट भी हो जाएगा लॉस। तो आप बढ़िया तरीके से टेक्निकल एनालिसिस और प्रोजेक्शन का फोकस करके साइकोलॉजी के अनुसार ट्रेड लेंगे तो आप कंटिन्यूस ट्रेड लेंगे, प्लस आपका ट्रेड जो है 100% विनिंग होने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट जो है सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था, तो यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ 80 रुपीज़ की, 1 ट्रेड पहले प्लेस करेगा। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और आपको आपको क्या लगता है कि ये मार्केट किस मोमेंट में जाएगी। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस
कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन की ओर। ओके, मैं यहाँ पर एक ट्रेड लिया अप की ओर और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अप नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक रिट्रेसमेंट लेवल था जो मार्केट रिट्रेस करके नीचे आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्ड कर देता हूँ, इसको सोल्ड करके निकल जाऊँगा, जो हमारे कुछ भी मनी तो वापस चले आएगा ना। तो मैं इसको स्टॉप लॉस कर दिया, 25 रुपीज़ हमारा जो 80 लगाया था, तो मैं 25 रुपीज़ में सेल कर दिया। और फिर से अब यहाँ पर दूसरी ट्रेड लूँगा, पहले ट्रेड तो हमारी लॉस हो गई। अब बढ़ते हैं सेकेंड ट्रेड तरफ। तो सेकेंड ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा बढ़िया से साइकोलॉजी को इम्प्रूव करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और वेट करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, जो पहले ट्रेड लिया था मैं अपर डायरेक्शन की ओर, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड में प्लेस करने का लग रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है आपको, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, आपको क्या लगता है? तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ सेकेंड ट्रेड प्लेस करने के लिए, तो मैं यहाँ पर सेकेंड ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई, वेट नहीं करेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रेड नेगेटिव गया और सेकेंड ट्रेड की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा बढ़िया तरीके से साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर सेकेंड ट्रेड प्लेस कर दिया। तो गाइज, मैंने यहाँ पर सेकेंड ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन की ओर, और मुझे लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर की लेवल को टच करना है। तो मैं जल्दीबाजी कर दिया ट्रेड लेने में। ओके, आप ऐसी गलतियाँ ना करें जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा सेकेंड ट्रेड भी लगता है कि नेगेटिव जाने वाली है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। गाइज, इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है और आपको सीखना है कि कैसे कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं और कैसे कैसे प्रॉफिट करते हैं, प्लस क्या चीज़ होती है लॉस होने की और क्या चीज़ होती है प्रॉफिट होने का। ओके, तो हमारा सेकेंड ट्रेड भी नेगेटिव में चला गया है। अब बचता है हमारे पास तीन ट्रेड। 5 ट्रेड में 2 ट्रेड नेगेटिव गया, अब यहाँ पर हमारे 3 ट्रेड मात्र बचे हुए हैं। अब 3 ट्रेड में देखते हैं कि क्या होता है आखिरी का रिजल्ट। थोड़ा सा मार्केट को एनालिसिस करते हैं और सोचते हैं, और सोचने के बाद फिर ट्रेड लेंगे। साइकोलॉजी, तो गाइज मैं यहाँ पर फिर से एक ट्रेड प्लेस कर दिया है ऊपर की ओर, क्योंकि जो इसके प्रीवियस वाले जो कैंडल बनाए थे ना, वो बनाई थी लॉन्ग लेग डोजी, और नीचे से बायर के प्रेशर था, तो इसीलिए मैं एक ऊपर की ओर ट्रेड ले लिया अप की ओर। और ये आई थिंक लगता है कि मार्केट को ऊपर की ओर कंटिन्यूअस के लिए जाना ही चाहिए, तो मैं ले लिया तो ले लिया। ओके, आपको ट्रेड ले कर डरना नहीं है। अरे यार, मैं ट्रेड लगा दिया, अब क्या होगा, चाहे लॉस ने हो जाए तो डरोगे तो फिर आपको 100% ही, अगर आप डर गया ना तो आपका 100% गारंटी है कि वो ट्रेड आपका नेगेटिव में जाता ही है। तो गाइज, मेरा तीसरा ट्रेड जो है हमारे फेवर में जा चुका है। अब बचता है हमारे पास 2 ट्रेड। 5 ट्रेड में 3 ट्रेड ले लिया है और हमारे पास 2 ट्रेड प्लेसिंग करने के लिए और बाकी है। तो देखते हैं, ओके, जब मार्केट अपना मोमेंटम को एंड करता है तो मैं 4th ट्रेड लेने वाला हूँ। ओके, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ तक इसके टारगेट को पूरा करेगा? तो आई थिंक लगता है कि मार्केट को यहाँ से फिर से नीचे की ओर आनी चाहिए। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि जो ऊपर में एक लेवल है सपोर्ट लेवल, और सपोर्ट लेवल को मार्केट इतना आसानी से तो ब्रेकआउट तो नहीं दे सकता है, तो मुझे पता है, क्योंकि बीच में एक रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। ओके, तो मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से इस डायरेक्शन से नीचे आनी चाहिए, क्योंकि बी ऊपर में एक सपोर्ट लेवल है और बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट है, तो इसीलिए मार्केट को रिट्रेसमेंट लेके नीचे की ओर कंटिन्यूअस के लिए जानी चाहिए आई थिंक। अब हमारा 4th ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, बढ़िया तरीके से रेडी हो गया हूँ प्लेसिंग करने के लिए। जैसे ही कैंडल एंड होता है तो मैं 4th ट्रेड प्लेसिंग कर दूंगा, बाकी बचेंगे हमारे पास 1 ट्रेड। तो देखते हैं क्या होता है।
ओके टोटल, तब मैं टोटल 5 ट्रेड के लिए, टोटल में 5 ट्रेड ही लेने वाले हैं, ना ज़्यादा ना कम। ओके अब गाइज मैं यहाँ पे प्लेसिंग करने के लिए रेडी हूँ फॉर ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर। ओके तो गाइज मैं यहाँ पर प्लेसिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत डॉट लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं प्लेसिंग कर दिया नीचे की ओर। ओके अगर आप जैसे ही प्रेसिंग करते हैं ना, तो आपको अपने साइकोलॉजी पर भरोसा होनी चाहिए कि हम जो ट्रेडिंग प्लेसिंग कर रहे हैं हमारा साइकोलॉजी क्या कहता है, आई एम राइट या आई एम रॉन्ग। तो आई एम राइट क्योंकि मार्केट ऊपर से जो है एंड हो चुका है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था तो वहाँ पर एक हैमर डोजी नहीं बनाना चाहिए था। क्यों बनाया? क्योंकि मार्केट ये संकेत देती है कि यहाँ से मैं अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला हूँ, तो मार्केट जो है यहाँ से अपना जो डायरेक्शन से है, जो उसका वेज है, वो चेंजिंग होते हुए दिखाई दे रही है और हमारा ट्रेड जो है काफ़ी क्लोज है फोर ट्रेड। अब बचेंगे हमारे पास 5th ट्रेड, तो गाइज मैं 5th ट्रेड भी प्लेसिंग करूँगा क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस करने वाली है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने के लिए रेडी हूँ जो हमारा 5th ट्रेड है। थोड़ा सा 10 सेकेंड को एक्सपायरी होने दो तो मैं प्लेसिंग करूँगा। ओके तो मैं यहाँ पर गाइज मैं प्लेसिंग कर दिया हूँ 5th ट्रेड डाउन की ओर, क्योंकि आई थिंक लगता है कि मार्केट को जो नीचे वाले जो डोजे है वहाँ तक मार्केट को आने चाहिए, अपना वहाँ तक आने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट ऊपर की ओर कंटिन्यूस करेगा या नीचे की ओर कंटिन्यूस करेगा। जो उसका लेवल है, जो उसका टारगेट है, उसको पूरा फुलफिल कर ही कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके ऐसा लगता है, 100% गारंटी नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ ना मैं अल्लाह हूँ। ओके अपने ऊपर खुद पे भरोसा रखनी चाहिए। तो हमारा आज का टारगेट है 5 ट्रेड, 2 ट्रेड नेगेटिव और 3 ट्रेड पॉजिटिव। ओके और 5th ट्रेड हमारा फेवर में चला गया है। अब जो हमारा टारगेट है पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर से टुमारो को D4 का पार्ट 5 लाने वाला हूँ, क्योंकि जब तक हमारा टारगेट पूरा होता नहीं है तब तक हमारे D5 में एंट्री नहीं करने वाले हैं। ओके तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कैसी लगी वीडियोस, कैसी लगी कंटेंट, या कैसी लगी आपके सेशंस, कमेंट करें प्यारा सा। ओके आपका प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है और रिप्लाई देने का मन करता है। ओके तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसी तरीक़े से बाय बाय।